बिहार में हत्या, बैंक लूट, डकैती, बलात्कार जैसे अपराध की बढ़ती वारदातों को लेकर विपक्षी दल ने मोर्चा खोल दिया है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद ये और तेज हो गया। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। इस क्रम में मुजफ्फरपुर में भी इंडिया गठबंधन द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अमर पासवान ने कहा कि ये प्रतिरोध मार्च सरकार को आईना दिखाने के लिए किया जा रहा है, ताकि हर रोज बढ़ रहे अपराध के खिलाफ सरकार को ठोस कदम उठाए। और एक प्रदर्शनकारी प्रोफेसर गोपी किशन ने बताया कि सरकारी बहरी और निकम्मी हो गई है, उन्हें जगाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी जनता की आवाज़ होती है, उसी जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग ये जो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, बिल्कुल आज सरकार को उनका आईना दिखाने के लिए निकाल रहे हैं कि किस तरह से जघन्य अपराध बढ़ रहा है, किस तरह से नौकरियां और ये जो बातें करते हैं, बिल्कुल वो सारी की सारी चीजें जो है छलावा की चीजें हैं। आज ये लोग जो है विशेष राज का जो बात करते थे, आज में आ गए, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी जो सरकार नीतीश कुमार विगत 19 सालों से चल रही है वो ठगने का काम कर रही है, और हमारी जो जनता है ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुकी है। हमें पूर्ण रूप से हम लोग को ये अपराध नियंत्रण के ऊपर एक नया कानून चाहिए। विशेष आज देख सकते हैं कि उनके साथ जो मंत्री लोग जुड़े हुए हैं, विशेष पॉक्सो एक्ट में भी उन लोग के ऊपर माना गया है कि उन्होंने कोई गलती किया। और हमारे महागठबंधन समर्थित सभी दलों के ओर से इस बहरी निकम्मी सरकार के खिलाफ जो इन्होंने भ्रष्टाचार और आतंक का माहौल बना रखा है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और त्राहिमाम की स्थिति मची हुई है, हम लोगों ने महागठबंधन की ओर से एक पुरजोर प्रदर्शन रखा है और हम इसका विरोध करते हैं और जन जागरण करके सरकार को सड़क से सड़क सदन तक इसका विरोध हम लोग करेंगे। आज हजारों की संख्या में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं की भूमिका हम लोग को बखूबी निभाते आए हैं हम लोग हमेशा, और विपक्ष ही जनता की आवाज़ होती है, जनता अपनी आवाज़ विपक्ष के माध्यम से ही सदन तक और सरकार तक, इस बहरी सरकार तक पहुंचाती है, और हम लोग अपने दायित्व का पुरजोर निर्वहन कर रहे हैं और इस आवाज़ को आगामी हर सब चुनाव में इसका नतीजा देखने को मिलेगा। आने वाले चुनाव में इसका असर बिल्कुल, जनता परेशान है, जनता त्रस्त है और जनता। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ। अरे यहाँ तो ऑटो फायर का स्टिकर लगा है, इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फाइल का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था। अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से।